15 वर्षों तक जो आप राज किए हैं वो दिन आज भी बिहार नहीं भूला है और कभी नहीं भूलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पे बिहार की राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है। मंत्री नीरज कुमार ने आज एक प्रेस वार्ता किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लालू यादव पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि लालू यादव के दो बेटे नहीं बल्कि तीन बेटे हैं। इस पर जब हमने राज्य प्रवक्ता से सवाल किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए पूरे तरीके से घबरा गई है और उनकी जो राजनीति है वो पूरे तरीके से लालू यादव के ऊपर ही टिकी हुई है। इस पर जब हमने बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। देखिए, बौखलाहट तो उनके अंदर है। अभी बिहार में जो वर्चुअल रैली हुआ और देश के गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने जो लोगों को संबोधित किया डिजिटल माध्यम से, और अब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुना है। किसी को जब लोग पसंद नहीं करेंगे तो नहीं सुनेंगे, और जिस प्रकार से जनता का रिस्पॉन्स आया है लगता है इस कारण वो बौखला गए। लेकिन ये बौखलाहट की क्या बात है, 15 वर्षों तक जो आप राज किए हैं, जिस प्रकार का पाप आप किए हैं, देखिए बहुत बड़े इस सृष्टि में लोग हुए जिनको आज भी लोग उनके कुकर्मों और सुकर्मों के चलते याद करता है। लोग 5000 वर्ष पहले भी अगर कोई पैदा लिया लेकिन उसके कुकर्मों और सुकर्मों के चलते आज भी लोग याद किया। ये तो 15 वर्ष ही हुए हैं, और 15 वर्षों पहले इस बिहार के अंदर जो शासन चल रही थी जिसमें लोग हत्याओं का जो दौर चला, AK-47 की तड़तड़ाहट लोगों ने जो सुनी थी, बिहार के अंदर जो जर्जर सड़कें लोगों ने देखी है, बिहार के अंदर सरकारी योजनाओं में लूट जिन लोगों ने देखा है, बिहार के अंदर मंत्रियों को जेल जाते जिन लोगों ने देखा है, उन्हें याद है बिहार के वो काले दिन, और ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और आज भी हम जानते हैं कि वर्ष में एक बार, हजारों वर्ष पहले अगर कोई घटना घटी थी तो उनका पुतला आज जलाया जाता है। तो ये 15 वर्ष हुए हैं, लोग इसको भूल नहीं सकते हैं, और इसलिए आज भी लोगों को याद है और लोगों को हम याद कराते भी रहेंगे कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो जो आज से 15 वर्षों पहले इस बिहार के अंदर हुआ है, जब अपराध का तांडव इस बिहार के अंदर हो रहा था, जब सरकारी खजाने की लूट इस बिहार के अंदर हो रही थी, बेजुबान जानवरों के का चारा लूटा जा रहा था, ये गरीब मजलूमों का हक हुकूक छीना जा रहा था, माताओं की मांग सुनी की जा रही थी, माताओं की गोद सुनी की जा रही थी, जिस प्रकार से भाई छोटे छोटे बच्चे अपहृत हो रहे थे और जिस प्रकार से व्यवसायी अपने काउंटर पर बैठे रहते थे उन्हें गोली मारी जा रही थी, प्रशासन भी असहाय था, पुलिस भी असहाय था, राजनेताओं द्वारा अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा था, वो दिन आज भी बिहार नहीं भूला है और कभी नहीं भूलेगा, और हम उसे याद भी दिलाते रहेंगे। और बिहार के लोगों ने इन 15 वर्षों के सुशासन को भी देखा है जिसमें विकास की गाड़ी बहुत तेज़ी से दौड़ी है, जिसमें विकास का चक्का तेजी से चला है, और जिसमें आम आदमी सुकून के साथ अपने जीवन को जी रहा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। तो आपने सुना अखिलेश सिंह का साफ तौर पे कहना है कि RJD जो पार्टी है वो पूरे तरीके से लूट खसोट की पार्टी है और इनकी उत्पत्ति भी जो हुई थी इसी कारण से हुई थी, और इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि लालू यादव को आज के डेट में पूरे तरीके से बिहार की जनता पहचान चुकी है कि वो किस तरह के नेता हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।